पब्लिक टीवी आपकी आवाज। थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत सलीमपुर बंगर गांव में एक 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। ग्रामीणों को जब इसकी सूचना मिली तो सभी ने जानकारी ली। परिवार वालों ने बच्चे के स्कूल प्रबंधक और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा है, लोधी जवान नगर स्थित SSB पब्लिक स्कूल में कक्षा 3 का छात्र था। 6 अगस्त को सचिन स्कूल गया था। स्कूल में ही वो कहीं से गिर गया और बेहोश हो गया। परिवार वालों का आरोप है कि मासूम सचिन के साथ जो हुआ वो परिजनों को स्कूल स्टाफ ने नहीं बताया, बल्कि मासूम को डराया गया और घर पर जाकर कोई भी बात ना कहने की बात कही गई। सचिन ने घायल होने के बावजूद भी कोई भी बात परिजनों को नहीं बताई और दर्द सहता रहा। जब मासूम से दर्द नहीं सहा गया तो तीसरे दिन परिवार के लोगों को बताया कि मैं गिर गया था, जिसकी वजह से मुझे चोट भी आई, लेकिन टीचर्स ने कुछ भी ना बताने के लिए कहा था। दर्द से बिलख रहे मासूम को लेकर परिवार के लोग डॉक्टर के पास पहुँचे, जहाँ पर उसका इलाज चला, लेकिन डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया और मासूम की मौत हो गई। था हमारा बच्चा जो स्कूल में गिरा था, यही हमें पता नहीं था गिरा था या नहीं जी। इसलिए जो है उसने जो 2 दिन के बाद बताया हमारे बच्चे ने कि मैं स्कूल में 3 पैरी से गिरा हूँ, लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्या पैरी से गिरा था या कितनी ऊपर से गिरा था, लेकिन हमारे लिए किसी ने भी नहीं बताया। जब बच्चे ने बताया तब हम उसे जो है हॉस्पिटल ले गए, प्लास्टर चढ़वाया और जो पढ़ता 3rd मंजिल पर है, लेकिन जो है जब होश हम बोले अब सही हो जाएगी, टांग में फ्रैक्चर आया। उसके बाद जो घर ले आए फिर भी उसे जो शांति नहीं मिली, फिर हम हॉस्पिटल ले गए। लेकिन मैं स्कूल गया, स्कूल में हमने बच्चों से भी पता करा, बच्चों ने भी नहीं बताया कि जो है ऐसा हुआ गिरे हैं भाई, गिरा है या नहीं। स्कूल में के प्रबंधक के लड़के से पूछा मैंने तो जो ये बता दिया, पता नहीं गिरा के नहीं गिरा, कुछ बात बता के नहीं दी। लेकिन अब जो जब लड़का हमारा मंगलवार को ख़त्म हो गया, तब संजय आया यहाँ से, बोले कि पीता ही लग गया था, 3 पैरी से गिरा है, संजय कह रहा है। उसके बाद मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपको हमें सूचना देनी चाहिए थी, ये आपने बहुत बड़ी महान गलती करी है। फिर भी जो वो अपनी बात चला रहे थे, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनी, एक बात मान के नहीं दी, अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि आगे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ हो, स्टाफ अच्छा करके देखभाल करें, अगर स्कूल चला रहे हैं तब। आगे जो है CCTV कैमरे हमारे रिश्तेदार देखने के लिए गए, उन्होंने मना कर दिया, हैंसे के बोला कि जो है मैं जो CCTV कैमरे में चल के देख लो, वहाँ पे एक कैमरा नहीं दिखाया उसने खोल के। अब बताओ क्यों नहीं दिखाया, ये तो हम नहीं जानते। ये संजय कौन था? संजय प्रबंधक। इसकी लापरवाही है, चोट आई जाए, हल्की घटना हो या ज़्यादा हो, इन्हें जो गार्जियंस को ज़रूर बताना चाहिए कि वहाँ के तुम्हारे बच्चे के साथ ये हुआ है। इन्होंने हमारे लिए बिल्कुल कोई बात नहीं बता के दी। हम तो ये चाहते हैं कि इन्होंने हमें नहीं बताई तो किसी को और क्या बताएंगे, अगर बच्चे को इससे बच्चा वहाँ भी ख़त्म हो जाता है तो ये तो कहीं अलग हटा देते, कह देते कि स्कूल से छुट्टी हो गई, कहीं रास्ते से गायब हो गया। अंदर डर सा महसूस हुआ हमें, लेकिन उसने बताया नहीं, हम बोले पता नहीं क्यों नहीं बता पा रहा है। बच्चे को डरा कौन सा स्कूल है? SSB पब्लिक स्कूल लोधीपुर जवान नगर। क्या नाम प्रबंधक महोदय? संजय बिश्नोई। इस पर जब स्कूल प्रबंधक से बात की गई तो उसने परिवार के सभी आरोपों को नकार दिया और कहा कि सचिन 3 सीढ़ियों से गिरा था, जहां से गिरकर उसे कोई चोट नहीं आई थी, जिसके बाद उसे घर भेज दिया गया। परिजनों ने सिर्फ इसलिए रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई क्योंकि बच्चे के शरीर का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके लिए परिवार राजी नहीं है। जिस बच्चे की, मैं आपको इसमें बताऊं, जिस बच्चे की डेथ हुई है, उसकी बीमारी की वजह से डेथ हुई है, हमारे विद्यालय में पढ़ता था और 2 तारीख में विद्यालय आया था, 3 में आया, 4 में आया, 5 तारीख को फीवर हुआ, फीवर बहुत तेज हुआ था और जैसा कि वहाँ कुछ गाँव वाले ने हमें बताया, जब उसकी डेथ हुई मैं गया था कि वो पेट पे चढ़ा था, रेड़ी से आम के बाग से लकड़ी लाया, पेट पे से गिरा, तो उसके बाद में उसकी मौत हुई, तो मैं गया भी था वहाँ पर दाह संस्कार में भी और घर काफ़ी तेज था। उसके फादर भी यहाँ आए थे, बोले बच्चा स्कूल नहीं आएगा, उसको जो तबीयत उसकी ख़राब, ये मतलब कहना चाहिए कि जो आपके
अरे उसमें होते हैं थोड़े से विरोधी और वो विपरीत बातें कर रहे हैं, जबकि सत्यता यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आरोप निराधार है, बच्चा बीमारी की वजह से प्लस वहाँ पे घोंपरा, और जिस दिन वो कह रहे थे बच्चों दिखाए बोले, मुझसे खुद कह रहे हैं उनके गार्जियंस बोले कि हमारे से मोटरसाइकिल पर बैठ के गया बच्चा अकेला था।